बंद करो बंद करो। शिक्षा क्षेत्र में मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षा क्षेत्र में मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। काला कानून बंद करो काला कानून वापिस लो काला कानून वापिस लो काला कानून बंद करो बंद करो बंद करो। वापिस लो वापिस लो वापिस लो वापिस लो वापिस लो वापिस लो भैया वापिस लो वापिस लो वापिस लो वापिस लो। क्षेत्र में मनमानी बंद करो बंद करो बंद करो। क्षेत्र में मनमानी बंद करो बंद करो बंद करो। वापिस लो वापिस लो। इतना जो है इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जो विद्यार्थी पीएचडी करता है वो अपने 5 साल पीएचडी को देता है और आप पीएचडी के वैल्यूज को घटा करके 10 पॉइंट कर देते हैं। यूजीसी जहाँ 25 पॉइंट दे रहा है आप 10 पॉइंट में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के कंबाइन करके 10 पॉइंट बनाते हैं जबकि यूजीसी जो है वो 25 पॉइंट खाली पीएचडी को देता है। तो क्या जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट जो है इस चीज़ से सफर नहीं करेगा जो अपने 5 साल अपने इम्पोर्टेंट 5 साल पीएचडी में दे रहा है आप उसके साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे। आपने कहा कि आप जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल लेकर आ रहे हैं। आज फिर मैं पूछना चाहती हूँ एलजी साहब से कि अभी से पहले आपने जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे जेके पीएससी के एग्जाम ले लीजिए आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम ले लीजिए वहाँ पे करप्शन के मामले सामने आया है आप क्या उनको हैंडल नहीं कर पा रहे और आपने एक ऐसा बिल उठा दिया उन लोगों के लिए जो करप्शन में ऑलरेडी इन्वॉल्व है और अब हायर एजुकेशन में भी करप्शन करे। एलजी साहब को मैं कह देना चाहती हूँ कि आज एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में पूरे स्टेट के स्टूडेंट्स जो है इस प्रोटेस्ट में आएंगे हमारे साथ जुड़ेंगे और ये तब तक प्रोटेस्ट चलेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होता। बिल जो हमारा समक्ष है उस बिल में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी राज्य विश्वविद्यालय है उनकी ऑटोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यूनिवर्सिटी की इंडिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब वाइस चांसलर के पास कोई भी जो है पावर्स नहीं रहेगी। जिस प्रकार से उस पूरे बिल के अंदर जो है यहाँ पर बोला गया कि जितनी भी रिक्रूटमेंट जो है यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जेके पी एस सी और जेके एस एस पी लेगा। अब मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि जहाँ जेके एस एस पी के अंदर इतनी धांधलियां होती है इतने घोटाले होते हैं क्या आप यूनिवर्सिटी के अंदर वो लोग रिक्रूटमेंट करेंगे क्या आप जो यूनिवर्सिटी जो ऑटोनॉमस के लिए जानी जाती है इंडिपेंडेंसी के लिए जाने चाहती है जहाँ पूरे देश भर के अंदर हम यूजीसी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों जाके एलजी सरकार ऐसे काले कानून ला रही है। हमारी सख्त आपत्ति है विद्यार्थी जिसका सख्त विरोध करती है और हमारी एलजी सरकार से ये मांग है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल को तुरंत रिवोक करें अन्यथा आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर के सभी यूनिवर्सिटी से सभी कॉलेज से छात्र शिक्षाविद इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर और ज्यादा विरोध करेंगे क्योंकि इस प्रकार के काले कानून हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते ना उसको एजुकेशन भी बर्दाश्त कर सकते ना छात्र बर्दाश्त करेगा ना रिसर्च कॉलेज को बर्दाश्त करने वाला है। इसलिए इस काले कानून को आप तुरंत वापस करें अन्यथा जो इंजाम होगा उसके लिए भुगतने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि छात्र रिसर्च स्कॉलर एजुकेशन टीचर प्रोफेसर कोई भी चुप नहीं बैठने वाला है क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी की पूरी तरह से टाइमिंग खत्म कर दिया। आपने ब्यूरोक्रेसी को जो है यूनिवर्सिटी के अंदर वो डिसाइड करेंगे ब्यूरोक्रेसी लोग डिसाइड करेंगे यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। आप ब्यूरोक्रेसी चीफ सेक्रेटरी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिसाइड करेगा कि कैसे यूनिवर्सिटी चलिए। इसलिए इस काले कानून को वापस लीजिए यूनिवर्सिटियों को आप ऑटोनॉमी के साथ साथ इंडिपेंडेंट तौर पर उनको काम करने दीजिए और ट्रांसपेरेंट वे में काम करती है। कुछ खराबियां हैं तो उसको ठीक करिए परंतु अभी जो है ब्यूरोक्रेसी कैंपस के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम शिक्षा के अंदर जो व्यापारीकरण के साथ साथ शिक्षा के अंदर ब्यूरोक्रेसी के इंटरफेरेंस नहीं चाहते। शिक्षा के अंदर जो है इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए विद्यार्थियों से।